शहरात एकीकडे गुन्हेगारीचा ग्राफ वाढत असल्याची चिंता नक्कीच आहे, पण या गुन्हेगारांच्या मुसक्या आव्हानास पोलीस विभाग हलगर्जी बाळगत नाही हे पदोपदी पुढे आले आहे। पोलीस विभागातही काही कर्तव्यदक्ष पोलिसांच्या सतर्कतेमुळेच शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास मदत मिळते। अशाच कर्तव्यदक्ष पोलीस हेड कॉन्स्टेबल विलास चौबितकर यांच्या कर्तव्याचा आम्ही घेतलेला हा आढावा। एखादा ओघ वाहायला लागला की सारेच या ओघाच्या दिशेने अक्षरशः पळायला लागतात। यात जणू प्रचंड स्पर्धा निर्माण होऊन जो तो वाटेल ते करण्यास धजावतात। मात्र याच ओघाच्या बाहेरून किंवा प्रवाहा व्यतिरिक्त इच्छाशक्ती बाळगणारेही काही कमी नाहीत। नेमकी हीच कमतरता भरून काढण्याचे कार्य नागपूर पोलीस यंत्रणेत कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी नाही। नागपूर पोलीस विभागातील एक कर्तव्यदक्ष पोलीस हेड कॉन्स्टेबल आहेत, ज्यांनी 30 वर्षाच्या आपल्या कार्यकाळात अनेक कामगिरी करून पोलीस विभागाला दक्षता घेण्यास भाग पाडले। त्यांच्या दक्षतेमुळेच महाराष्ट्र पोलीस प्रशासनाच्या वतीने प्रकाशित होणाऱ्या दक्षता या मासिकात देखील या कर्तव्यदक्ष पोलीस शिपायाचे नाव नमूद होणे म्हणजे त्यांच्या कार्याचाच गौरव होणे होय, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये असे हे कर्तव्यदक्ष पोलीस हेड कॉन्स्टेबल म्हणजेच विलास चौबितकर। चौबितकर हे 30 वर्षापूर्वी 1987 साली गणेशपेठ पोलीस स्थानकात रुजू झाले। पोलीस कॉन्स्टेबल असताना त्यांना अनेक प्रकरणात कारवाई अंतर्गत त्यांच्या कार्याची धडाडी दिसली आणि कालांतराने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांना फरार आरोपींच्या संशोधनाचे कार्य सोपविले। यातही त्यांना बरेच यश आले। संशोधनात त्यांनी विविध क्लुप्त्या कल्पना लढवल्या, यातूनच त्यांना यश प्राप्त होणे म्हणजे क्रमप्राप्तच होते। सध्या ते झोन क्रमांक 4 मध्ये कार्यरत असून अजूनही ते फरार आरोपींच्या मागावर धडाडीने कार्यरत आहेत, कार्य तत्पर आहेत। त्यांच्या या कार्य तत्परतेची ग्वाही खुद्द वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा देतात। पहले मैं 2 महीने पहले चार्ज लिया था इधर जोन 4 का, तभी मेरा रेडर ने बताया था हमारे पास नंदन में कर्मचारी विलास चौबितकर बोल के, वो फरार बाइजे करने में पकड़ने में स्पेशलिस्ट है बोल के। फिर जैसे इनको मैंने बुलाया था ये भी इंटरेस्ट बताया था मुझे, और इन्होंने सब और भी कम से कम 37 ईयर्स पहले कोई फरार था, 28 ईयर्स पहले फरार था, ऐसे उनका करने का अलग अलग चीज़ है। मतलब कभी कभी आधार कार्ड से माइती निकालते हैं, उसके बाद उनका NMC का जाके उनका बिल से माइती निकालते हैं। अभी तक इन्होंने कम से कम अभी मेरे कार्यकाल में कम से कम 10 के ऊपर और भी पकड़ा है, और कुछ लोग और भी ऐसे रहते हैं, कोई कभी कभी मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाते हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं रहते वो डेथ हो गया बोल के, फिर लेकिन हमारे लिस्ट में चलते रहते हैं अभी भी फरार है बोल के। फिर ऐसे लोग को भी उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह ढूंढ के निकाला है और हमारे लिस्ट में कम किया था, और अभी तक काफ़ी का अच्छा काम चालू है इनका, और आगे कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करेंगे। सध्या चौबितकर झोन 4 मध्ये कार्यरत असून फरार कैद्यांच्या मुसक्या आवळणे, त्यांचा शोध घेणे, आरोपींवर पाळत ठेवणे आणि आरोपी हाती लागताच पुन्हा त्यांना जेरबंद करणे अशा कर्तव्यात सध्या ते व्यस्त आहेत। चौबितकरांच्या संशोधनाचे प्रयत्न देखील उच्च कोटीचे असून आरोपी सुटणार नाही, पळून जाणार नाही याबाबत ते प्रचंड सतर्क असतात। पोलिसात तक्रारी दरम्यान अनेकदा चुकीची माहिती वा चुकीचा पत्ता नोंदविला जातो, अशात खऱ्या पत्त्याचा शोध घेणे पोलिसांसाठी मोठी कसरत असते। मात्र चौबितकरांच्या प्रयत्नातून हे किचकट काम उजव्या हाताचे ठरते आणि त्यांच्या या कार्यामुळेच गणेशपेठ स्थानकात असताना तब्बल 11 आरोपींना कैद करण्यास त्यांना यश प्राप्त झाले। मेरी तो वैसी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1987 की अपॉइंटमेंट है। उसके बाद में तो अब 30 साल के नौकरी में तो बहुत जगह अपॉइंटमेंट हुई है, इसके बारे में तो अभी डिटेल तो आपको मिली जाएंगी, मगर शॉर्ट में गणेशपेठ से मेरी इस कार्य काम को जो शुरुआत किया मैंने, गणेशपेठ से शुरुआत हुई है। वहाँ मैं DUTSC का काम करता था, DUTSC का काम करने के बाद में इस हमारी जो स्क्वाड की जो समस्त वालों का स्क्वाड जो है, वो जब आरोपी को ढूंढने या वारंट तामील करने जाते थे तो वो हरदम गलत एड्रेस है, नाम बराबर नहीं है, ये हिसाब से जब भी वो रिपोर्ट करते थे PI साहब को, जैसे नंदनवार साहब है वपोनी वहाँ नंदन गणेशपेठ में जो जगदाड़े साहब थे, ये हरदम ये रिटर्न कोर्ट का कागज वारंट कागज वापस क्यों आता, इसके बारे में फिर हमने दूसरे PI साहब से बात करके, मेरे को जैसा DUTSC का काम होने के बाद में उसके बाद में ये जवाबदारी मेरे को PI साहब ने दी है कि बोला तेरे तरफ से अगर ढूंढना होता है तो इसको ढूंढो, तो उस हिसाब से मैंने मेरा ये काम शुरू किया गणेशपेठ में। तो वहाँ गणेशपेठ के कार्यक्रम में 11 आरोपी मैंने उस कार्यकाल में लाए पकड़ के, और विविध जो थाने से वांटेड फरार थे उनके हैंडओवर कर दिए।
उसके बाद यहाँ जोन फोर में स्पेशल आपको उन्हीं अपराधियों को ढूंढने के लिए अपॉइंट किया, तो क्या कहना चाहेंगे, कब से यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, अभी यहाँ तक तब कितने अपराधियों को आप पकड़ा? यहाँ तो मैं अभी 2 महीने पहले 22/7 को मेरे को माननीय DCP साहब ने यहाँ पे संलग्न किए कि साहब का एक है जो फरारी आरोपी का जो वांटेड अभिलेख है, गुने की यादी है, उस यादी के हिसाब से अपनी जोन की ज़्यादा कार्रवाई यानी ज़्यादा आरोपी फरार है, इस हिसाब से साहब ने मेरे को 22/7 से यहाँ पे संलग्न किए 16 को चार्ज लेने के बाद में। तो 2 महीने में मेरे करीबन यहाँ पे कुछ आरोपी का केस डिस्पोजल हो गया, वो केस का भी कुछ निकाल लग गया है, वो अपने हमारे डिश पे चल रहे थे, उनका भी जाने के बाद पता चला कि केस ख़त्म हो गई, और कुछ मिले आरोपी उनको ऐसे अपन ने अरेस्ट करके अपने ताबे में लेके कार्रवाई के लिए दिए। कुछ इस दौरान जो गुनाह होने के बाद में जब थे तो उस टाइम पे कुछ डेथ हो गई, मर गए, तो उनके पास में वो मृत्यु प्रमाण पत्र उनके घर से अपन ने ला लिए थे। करीबन 10 के ऊपर यानी 15 तक आ गए अपन अपना 2 महीने में। दरम्यान 22 जुलै 2016 फरारी आरोपींचा अभिलेख चौबीतकरांच्या हाती पडल्यानंतर त्यांनी कंबर कसली, संशोधन आणि गुप्त काळजी बाळगून त्यांची घोडदौड सुरू झाली आणि पाहता पाहता केवळ 2 महिन्याच्या कारवाईत तब्बल 15 आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या। दिनचर्या बोलो तो परिवार में तो अपनी जो माँ पिताजी सभी फैमिली में है सब लोग, मगर जो दिनचर्या की बात है तो वही रूटीन जो अपनी 10 बजे ड्यूटी है, 10:45 अपने ऑफिस में आ जाने का, दिन भरे का जो साहब का आदेश रहता है कौन से आरोपी क्या है क्या नहीं, उनको वो रिपोर्ट करना पड़ता है कि आज कौन से आरोपी का क्या काम करना है और उसका क्या हुआ, इसका कंप्लेंट DCP साहब को शाम को बताना पड़ता है, तो वो कार्रवाई हमारे यही हिसाब से चल रही है। अभी तक कितने आरोपियों को पकड़ चुके हैं, कितने आंकड़ा हो गया? ये अपना दक्षता जो हमारा मासिक दक्षता निकलता है मंथली महाराष्ट्र पुलिस की जो दक्षता मासिक है वो हिसाब से 17 आरोपी वो रिकॉर्ड पे है और अभी के मेरे करीबन 15 के करीबन टोटल 32 हो ही गए। चौबीतकर यांचे कौटुंबिक जीवन देखील साधे असून त्यांच्या कुटुंबात आई वडील पत्नी आणि मुलं असा गोतावळा आहे। कुटुंब कबीला चालवून कर्तव्याप्रती ही सतर्कता बाळगणे हे आता त्यांच्यासाठी रोजचीच धावपळ झाली आहे। एकीकडे कुटुंबाची देखभाल आणि दुसरीकडे वरिष्ठांचे आदेश अशी दुहेरी भूमिका ते मोठ्या शितापीने सांभाळत आहेत। मी नाही बोलू शकतो, मेरी तारीफ मैं खुद नहीं करूंगा, गॉड गिफ्ट है कि क्या मेरे काम का जो उत्साह है जो अपने को जवाबदारी दी वरिष्ठ अधिकारी ने वो कैसी पार करना है और कैसी अपने को अपन निकाल ढूंढ के निकाल सकते हैं ये अपन इस पर ज़्यादा ख्याल देते हैं। हाँ, डर पुलिस खाते में डर रखे तो फिर काम होगा नहीं, पुलिस खाते में नौकरी करना है तो डर रख के काम होगा नहीं। आगे क्या इच्छा है कि आप कितना क्या इच्छा रहेगी कि बाकी आप करना है? इच्छा बोले तो साहब ने अपने को यहाँ पे हमको यहाँ पे संलग्न किए है तो उनका फोकस सब फरार वांटेड आरोपी पे है, तो उनको अपने जोन की यादी जितनी बड़ी हुई है जो आरोपी जो घूम रहे हैं जो मिल नहीं रहे हैं, लोकल पुलिस को मिलते हैं मगर वो थोड़ा सा उनके पत्ते बराबर नहीं होने से एड्रेस बराबर नहीं, जाके हमारी पुलिस भी पूरा प्रयत्न करती है पर वो पता बराबर नहीं होने से वापस आते हैं, तो ये थोड़ा सा हट के काम करना पड़ता है इसमें कि यहाँ नहीं तो कहीं तो भी होगा, ये सोच सब रख के अपन ढूंढ रहे और वो अपने को आगे मिल रहे। 30 से 40 साल के पुराने आरोपी आपने ढूंढे हैं, कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको कि जैसे उनका नाम पता तक कहाँ था कहाँ एड्रेस थे चेहरे में फर्क दिख जाता तो कैसे विशेष दक्षता कैसे आप उनको पहचानते हो कैसे उनका पता था? हाँ वही अभी आपको DCP साहब ने जो बताया है जो पैटर्न वो हिसाब से आगे अपनी मुहिम चालू है और आदमी को आरोपी अपना अपने गुने का जो वांटेड है ये उसका एक जो चाहिए कि पहचानने की कला, अब वो हिसाब से मैं मेरे हिसाब से जैसा पूरा सर्च करके पूरा सर्वे करके इसकी उम्र जब गुना हुई तो उसकी उम्र क्या थी और आज की उम्र इनकी क्या है और वो हिसाब से उसका जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो इस क्या नाम है मैच हो रहा नहीं हो रहा मिडल नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम इसमें से पूरा पढ़ाई करके जाना पड़ता है तब कई आरोपी अपन उसको ढूंढ लेते हैं वो पहले वो 38 साल रहे या 29 साल रहे मगर वो हिसाब से अपन अपने हाथ में गलत आदमी ना आए जो आदमी को फिर गुनाह हुआ है जो आदमी अपने को चाहिए उसी को लाना है अपने को। आतापर्यंत त्यांनी आपल्या कर्तव्य दक्षतेत तब्बल 32 फरार आरोपींना ताब्यात घेत मोठी कामगिरी केली आहे, यातही
ते कर्तव्याला वरिष्ठांचा आदेश मानतात. स्वतःचा मोठेपणा मानण्यापेक्षा वरिष्ठांचा आदेश हेच कर्तव्य आणि हाच यश आहे असे ते मानतात. पोलीस खात्यात वावरताना अनेक कर्तव्यावर कारवाई करत असताना यात बरेचदा अंगावर येणाऱ्या घटनाही घडतात. अशात या घटनांची भीती नाही वाटत का असा प्रश्न केला असता ते म्हणतात, संरक्षणाय खलनिग्रणाय या दक्षतेसाठी भीती गुंडाळून काम करावे लागते असे ते म्हणतात. एकूणच नागपूर पोलीस प्रशासनात चौबितकर यांच्या सारख्या कर्तव्य दक्ष पोलीस कर्मचाऱ्यांमुळेच शहरात कायदा आणि सुव्यवस्थाही राखण्यास मदत होत आहे. कॅमेरा पर्सन करण ठाकूरसह नितीन शेगावकर, NBC News, नागपूर.